सीधा लिए चलेंगे, तस्वीरें आपको दिखाएंगे क्योंकि लोकसभा में आज इस विषय पर चर्चा होगी तवांग से जुड़े हुए मसले पर। फिलहाल ये तस्वीरें लोकसभा से। एक अच्छी परंपरा सदन में चलाना चाहता हूं, जब मैं किसी नियमों के तहत आपको नहीं बोलने दूं तब आप निश्चित रूप से अपनी बात को कह सकते हैं। मंत्री जी के स्टेटमेंट के बाद बोलेंगे ना आप? आप नोटिस दो, आप फैसला कर दो कि मंत्री की स्टेटमेंट देने के बाद तुरंत चर्चा होगी इस पे। ना, ये तो चर्चा होने का निर्णय तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में तय होता है। आप नोटिस दो प्रॉपर तरीके से, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के निर्णय हो जाएगा, मैं डिबेट कराऊंगा आपको। मंत्री जी का रिप्लाई हो गया तो दूसरा क्वेश्चन दीजिए। आप महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हुए हैं, आपके माननीय सदस्यों के महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हुए हैं, मैं प्रश्नकाल के अंदर उन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना चाहता हूं। आप चर्चा नहीं करना चाहते? सदन की कार्यवाही आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सदन की कार्यवाही, क्योंकि शुरुआत से पहले ही लोकसभा स्पीकर जब बात वहां पर कर रहे थे और सभी से निवेदन कर रहे थे कि पहले एक बार अपनी बात रखने दी जाए, उसके बाद में फिर जो सवाल है वो पूछे जा सकते हैं, लेकिन हंगामेदार ये कह सकते हैं कि शुरुआती दौर में ही कार्यवाही रही और उसके बाद में अब 12 बजे तक के लिए इसे स्थगित किया गया है लोकसभा में। और 12 बजे का ही समय पहले देखिए प्रस्तावित था, जब पहले लोकसभा में और फिर उसके बाद राज्यसभा में जवाब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस पर देने वाले हैं। तवांग मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा इसमें देखने को मिला, लोकसभा में हंगामा, 1 घंटे के लिए कार्यवाही को स्थगित किया गया है। 12 बजे एक बार फिर से जो कार्यवाही है वो आहूत होगी और उससे पहले लोकसभा में हंगामा देखने को मिला। भारत और चीन के सैनिकों की झड़प पर ये अपडेट अब आपको दे देते हैं। तवांग के मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा और हमलावर आक्रामक अंदाज में नजर आया विपक्ष। तवांग झड़प पर बयान देंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में जवाब देंगे दोपहर 12 बजे। लोकसभा में बयान देने का समय था और पहले भी 12 बजे का समय था, लेकिन 11 बजे तक जो कार्यवाही शुरू हुई, विधिवत तौर पर 11 बजे का समय इसके लिए होता है, अब 12 बजे एक बार फिर से सदन की कार्यवाही आहूत होगी। तो तस्वीरें आपको दिखाते हैं राज्यसभा की भी, वहां पर क्या जारी है तस्वीरों के जरिए अब आपको दिखाएंगे, क्योंकि राजनाथ सिंह दोपहर 2 बजे राज्यसभा में भी जवाब देंगे। आपने अपने नोटिस का कंटेंट, आपने अपने नोटिस का कंटेंट बता लिया। प्लीज डेप्यूटी चेयरमैन सर, माननीय एलओपी को प्लीज दी ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर, आपने अपनी पूरी नोटिस बता ली, आपने अपनी पूरी नोटिस बता ली, प्लीज माननीय एलओपी को भी, एलओपी को बोलने का पूरा मैंने मौका दिया, उन्होंने अपनी नोटिस बताई, प्लीज अपने सीट्स ले। प्लीज दी ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर सिंह जी बोले, इज रेडी टू मेक अ स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यांगसे इंसिडेंट इन तवांग सेक्टर इन अरुणाचल प्रदेश ऑन 9 December at 2 PM today. Looking at the gravity of the situation and the request made by the opposition also, I would urge the chair to allow the Honorable Defence Minister to make the statement at 12:30 PM instead of 2 p.m. so that the issue can be placed before the House even by in the middle of question hour. So kindly allow the Defence Minister to make the statement and he will give all the information that is sought for by the opposition. प्लीज एक मिनट नाजिर साहब आप बैठ जाए, प्लीज बैठ जाए, प्लीज एक मिनट। माननीय प्रमोद जी, माननीय लीडर ऑफ द हाउस ने कहा कि 12:30 बजे माननीय रक्षा मंत्री जी बयान देंगे इस विषय पर,
माननीय एलओपी साहब ने अपनी नोटिस पढ़ी। आप 12:30 बजे क्वेश्चन आवर के बीच में माननीय रक्षा मंत्री का बयान सुने, ये संवेदनशील मामला है, देश के हित से जुड़ा, आप सब लोग उसी की बात कर रहे हैं। माननीय रक्षा मंत्री जी को सुन ले आप, ये माननीय एलओपी साहब की चिंता है, माननीय एलओपी साहब की जो चिंता है, जो सवाल उठा उस पर ही माननीय रक्षा मंत्री जी बोलने के लिए आ रहे हैं। 12:30 बजे उनके बयान सुनने का धैर्य कम से कम रखिए, प्लीज प्लीज प्लीज। 12:30 बजे माननीय रक्षा मंत्री जी इस विषय पर बयान देंगे। पेपर्स टू बी लेड ऑन द टेबल। राव इंद्रजीत सिंह देखिए, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की ही कार्यवाही हंगामेदार जा रही है, क्योंकि विपक्ष की ओर से सबसे पहले जब लोकसभा में हंगामा किया गया तो उसके बाद से डॉक्टर भगवत कराज। माननीय सभापति महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे सहयोगी श्री पंकज चौधरी जी के नाम के सामने और सीरियल नंबर 3 पर उल्लेखित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। श्री भगवंत खुबा, संशोधित कार्यसूची के क्रमांक संख्या 4 पर मेरे नाम से सूचीबद्ध दस्तावेज सदन के पटल पर रखने का आग्रह करता हूं। डॉक्टर भागवत कराड। ऑनरेबल चेयरमैन सर, विथ योर काइंड परमिशन आई राइज टू ले द पेपर्स मेंशन अगेंस्ट माय नेम एट सीरियल नंबर 5 इन द रिवाइज लिस्ट ऑफ बिजनेस फॉर टुडे। डॉक्टर भारती प्रवीण पवार। ऑनरेबल डेप्यूटी चेयरमैन सर, विथ योर परमिशन आई राइज टू ले ऑन द टेबल ऑफ द हाउस पेपर्स मेंशन अगेंस्ट माय नेम एट सीरियल नंबर 6 इन टुडेज रिवाइज लिस्ट ऑफ बिजनेस। थैंक यू। श्री शांतनु ठाकुर। रेस्पेक्टेड चेयरमैन सर, आई राइज टू ले ऑन द टेबल ऑफ द हाउस द पेपर मेंशन अगेंस्ट माय नेम सीरियल नंबर 7 ऑफ टुडेज रिवाइज लिस्ट ऑफ बिजनेस। थैंक यू सर। डॉक्टर मुंजप्पा महेंद्र भाई। डॉक्टर मुंजप्पा महेंद्र भाई, प्लीज। ऑनरेबल चेयरमैन सर, विथ योर काइंड परमिशन आई विश टू ले ऑन द टेबल ऑफ द हाउस पेपर्स मेंशन सीरियल नंबर 8 अगेंस्ट माय नेम इन टुडेज रिवाइज लिस्ट ऑफ बिजनेस। थैंक यू सर। रिपोर्ट्स ऑफ द डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट के स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवे। श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी, प्लीज। प्रियंका जी रिपोर्ट लें प्लीज। रिपोर्ट ले करें आप आपकी बात ही रिपोर्ट पे जा रहे हैं। 173rd, 174th and 175th report in English and Hindi of the department related parliamentary standing committee on commerce mentioned against my name in the list of business. Thank you. Reports of the department related parliamentary standing committee on home affairs, Maniya Sri Brijlal. Deputy Chairman sir, with your permission, I rise to present the 240th and 241st report English and Hindi of the department related parliamentary standing committee on home affairs as mentioned in today's list of business against my name. Thank you sir. Reports of the department related parliamentary standing committee on transport, tourism and culture, Srimati S. Fongan Konyak. Honorable Deputy Chairman sir, with your permission I present to you the 328th, 329th, 330th, 331st, and 332nd reports in English and Hindi of the department related parliamentary standing committee on tourism, transport and culture as listed against my name in today's list of reports. Reports of the department related parliamentary standing committee on finance, GVL Narasimha Rao. Sir, with your kind permission, arise to lay on the table a copy in English and Hindi of the 52nd report
of the department related parliamentary standing committee on finance on the competition amendment bill 2022 as mentioned in the list of business against my name. Thank you, sir. Money deal. And the point of order is both my point of orders are on the same rule, which is 29. Right. Please check out 29, sir. Yes. About 7 minutes ago, that is at about 11:13, we received this. We received supplementary list of business, rule 29, stating that the defense minister will make a statement at 2 p.m. That's what he said. At 2 p.m. Now you tell us, it is 12:30. The supplementary business then is incorrect. So we need to first correct that. Number one. Just 1 minute. Number one. Number two. A statement may be made, but it is very clear the issue is of grave concern. We are all with the army and the soldiers, but please allow the opposition to be a part of this discussion. After the statement can come, we will listen. Yes, sir. The statement can come. No one wants to disrupt. The statement will come. We will listen to the defense minister and then we wish to participate. Thank That's you. All. Thank you, Derek ji. Regarding pehle point ke sandarbh mein aapko Derek ji, pehle point ke sandarbh mein maine anurodh kiya ki 12:30 बजे माननीय रक्षा मंत्री जी इस पर बयान देंगे. 2 बजे लिस्ट ऑफ बिजनेस में आया था, ये कलेक्ट आप कह रहे हैं, पर हाउस की सहमति है तो 12:30 बजे क्वेश्चन आवर के बीच देंगे, ये मैंने कहा. नंबर वन. नंबर टू. नंबर टू, चूंकि महत्वपूर्ण मुद्दा है माननीय रूपी ने उठाया, हम सबने सुना, नोटिस सुन के 267 में, इसलिए मैंने कहा कि 2 से 12:30 में उसको हम लोग कर ले. दिस वॉज नंबर वन. नंबर टू, क्या आप कुछ कहना चाहते थे? मैंने द रूल प्रोवाइड करता है कि विद द लीव ऑफ द चेयरमैन द बिजनेस ऑफ द डे कैन बी डिटरमाइंड. तो हमने चेयरमैन साहब से भी रिक्वेस्ट की है और हाउस की सेंटिमेंट देखते हुए मैंने अनुरोध किया कि 12:30 बजे कर ले. प्रमोद जी, विनम्रता पूर्वक आपसे अनुरोध करना है कि देश की संप्रभुता से, सुरक्षा से बड़ा कुछ नहीं. जब से ये सरकार आई है, चीन जब चाहे हमारे यहाँ टहलता हुआ चला आता है. सर, हमने स्टेटमेंट मांगे थे इस पर. एक्चुअली फिलहाल ये देखिए तस्वीरें तो दिखाई रही है, लेकिन साथ ही साथ में दिल्ली न्यूज कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं. अमित जी, जिस तरह से थोड़ी देर पहले बात ही हो रही थी कि अब ये जो मुद्दा है वो संसद में गूंजेगा और वही नजर आ रहा है, लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई, राज्यसभा में भी लग रहा है कि हंगामेदार रहेगी कार्यवाही. चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे. तो देखिए, लोकसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए और 12 बजे जवाब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देंगे. और शुरुआत में ही विपक्ष लगातार यही नारे लगा रहा था कि बात करो इस मुद्दे पर, बात यहाँ पर करने की बात है. और अमित मिश्रा जी हमारी कंसल्टिंग एडिटर इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ एक बार फिर से. अमित जी, कुछ देर पहले ही बात हो रही थी कि हंगामेदार रह सकती है क्योंकि जवाब मांग रहा है विपक्ष और सवालों के जवाब देने के मूड में जो केंद्र सरकार है वो भी नजर आ रही है, लेकिन हंगामेदार नजर आ रहा है सेशन, क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, विपक्ष की कोशिश यह है कि जो ये मामला हुआ है चीन के साथ भारतीय फौज की मुठभेड़ हुई है उस विषय पर संसद की सारी कार्रवाई रोककर सरकार अपना बयान दे. और सरकार की तरफ से ये स्पष्ट किया गया है कि 12 बजे लोकसभा में राजनाथ सिंह इसी पर बयान देंगे और 2 बजे राज्यसभा में वो इसी विषय पर बयान देंगे. लेकिन विपक्ष इस मांग से अड़ा है कि अभी तुरंत जैसे संसद की कार्रवाई शुरू हुई, आपने देखा होगा कि 11 बजे से ही संसद में हंगामे के आसार है. राज्यसभा में लगभग तमाम विपक्ष इस मामले पर एकजुट है. आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, तमाम लोगों की तरफ से काम को प्रस्ताव के पत्र लिखे गए हैं सभापति को. इस मांग पर अड़ेंगे की रक्षा मंत्री तुरंत इस विषय पर सरकार की तरफ से बयान दे. इधर प्रधानमंत्री की अगुवाई में जो बैठक चल रही थी जिसमें सारे लोग मौजूद थे, उन्होंने रक्षा मंत्री ने और रक्षा सचिव ने तमाम मंत्रियों को प्रधानमंत्री को सारी जानकारी देता हूँ, जीरो की रिपोर्ट है वो दी है और वो बताया है. तो इस विषय पर आपसे थोड़ी देर में यानी 12 बजे संसद में लोकसभा में रक्षा मंत्री अपना बयान देंगे और फिर उस विषय पर राज्यसभा में वो प्रूव करेंगे.
अमित जी, लेकिन जिस तरह से पहले जब इस मुद्दे के बारे में शुरुआत में ट्विटर पर एक तरीके से लगातार मांग की जा रही थी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया, उसके बाद में जो स्थगन नोटिस है वो दिया, और स्थगन नोटिस को लेकर लगातार नारेबाजी, क्या लगता है जब जवाब दिया जाएगा? क्योंकि जो स्पीकर है वो भी कह रहे हैं कि पहले आप सुनिए जवाब, उसके बाद में अगर आपको लगता है आपत्ति है तो फिर उस पर आप क्रॉस क्वेश्चन कीजिए। विपक्ष इस मांग से आ रहा है कि सरकार ने ऐसी अगर गतिविधि थी तो सरकार ने क्यों छुपाई इस मांग को, और आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह और राज्य के सांसद हैं मनोज झा, उन्होंने इस पे कहा है कि सरकार ने जानकारी छुपाई है। अब सरकार की तरफ से जब विषय में वक्तव्य आएगा तभी इस विषय में पता चलेगा कि सरकार ने वहां से क्या छुपाई है, क्या फोन किया है और कहा कि कमांडर है इस स्थिति में वहां की तरफ की बात भी वो बजाने की कोशिश की गई जाएगी। कुल मिलाकर उसी सरकार की ये रहेगी और राजनीतिक दलों की तरफ से भी सरकार जो जवाब दे उससे विपक्ष संतुष्ट हो, लेकिन विपक्ष जिले में नेता जिस तरह से दिशा में क्या आसार देख रहे हैं और इस तरह से विपक्ष एकजुट हो रहा है इस मामले पर, उस तरह उस तरीके के बाद राजनाथ के बयान से विपक्ष संतुष्ट हुआ, क्योंकि विपक्ष का यह कहना है कि जब आपकी प्रधानमंत्री की सीधी बातचीत राष्ट्राध्यक्ष से हो रही है तो फिर ऐसी हरकतें लगातार क्यों करेंगे। विपक्ष ने कहा कि राजनीति में भी मामला हुआ, वहां के बॉर्डर पे हमारी सीमाएं चली गई, ये तमाम आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं। अब सजा उस चीज का है कि जब लोकसभा बिल्कुल हमें जी आप ठीक कह रहे हैं, और अब सभी की निगाहें रहेंगी 12 बजे क्योंकि जवाब जब देंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हम भी सुनेंगे और उसके बाद में क्या माहौल रहता है वो पहुंचाएंगे दर्शकों तक। बहुत शुक्रिया।